आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टफ्ड पनीर पॉकेट्स जो कि हम गेहूं के आटे से बनाएंगे और इसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं हेलो फ्रेंड्स मैं पायल आपका मेरे चैनल कुक विद पायल में बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे तो ये मैंने एक पैन गरम कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे टू टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और जैसे ही तेल गरम हो जाए इसमें हम डालेंगे वन टीस्पून जीरा फिर हम इसमें डालेंगे हाफ़ कप कटी हुई प्याज इसे मैंने पतले टुकड़ों में काटा है फिर हम इसमें कटा हुआ बंदा गोभी डालेंगे हाफ़ कप और हाफ़ कप ग्रेट किया हुआ गाजर और इन सबको हम अच्छी तरह से चला लेंगे इसे हमें हल्का कच्चा रखना है ताकि ये खाते वक्त थोड़ा क्रंची लगे तो इसे हमने एक दो मिनट के लिए अच्छी तरह से चला लिया है अब हम इसमें डालेंगे एक कप मैश किया हुआ पनीर तो ये पनीर को मैंने हाथों से अच्छी तरह से मैश कर लिया था और इसमें हम मिला देंगे और इसे हम एक दो मिनट के लिए चला लेंगे गैस के फ्लेम को हमने लो टू मीडियम पे ही रखा हुआ है अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और वन टीस्पून चाट मसाला पाउडर और हाफ़ कप हम कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर चला लेंगे फिर हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे चार से पाँच मिनट के लिए अच्छी तरह से चला लेंगे तो ये देखिए पाँच मिनट हो गए हैं और ये अच्छी तरह से कुक हो गए हैं अब हम गैस को ऑफ़ करके इसे ठंडा कर लेते हैं और ये मैंने एक बॉल पर इसे निकाल लिया है अब हम डो तैयार करेंगे तो ये मैंने एक बर्तन में दो कप गेहूं का आटा ले लिया है फिर हम इसमें डालेंगे वन टीस्पून नमक वन टीस्पून चीनी और वन एंड हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर ही डालना है बेकिंग सोडा नहीं डालना है फिर हम इसमें टू टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर के लिए तो ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त डो बना लेंगे ज़्यादा सख्त नहीं बनाना है जो हम रोटियों के लिए डो बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त बनाना है तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका डो बना लेंगे तो ये देखिए इस तरह का डो हमें बना लेना है अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट होने देते हैं और ये देखिए आधा घंटा हो गया है और ये हमारा डो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है अब हम इसे थोड़ा गूँथ लेंगे फिर हम इसमें से थोड़ा सा डो निकाल लेंगे और इसे हमें बेल लेना है तो इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेते हैं और जैसे हम रोटियां बेलते हैं उसी तरह से हमें बेल लेना है इसका गोल होना जरूरी नहीं है क्योंकि हम इसके किनारों को काट कर हटा देंगे बस हमें इसे पतला भेल लेना है और ये मैंने एक पिज़्ज़ा कटर ले लिया है अब हम इसे स्क्वायर शेप में काट लेंगे आप इसे चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं और ये देखिए इसके किनारों को हम हटा देंगे अब हम इसमें बीच से कट लगा देंगे और इसका एक पार्ट हम थोड़ा छोटा रखेंगे और एक पार्ट हम थोड़ा बड़ा रखेंगे तो ये देखिए तो ये छोटा वाला पार्ट हम ले लेते हैं और इसमें ये जो पनीर का स्टफिंग हमने बना कर रखा था इसको बीच में इस तरह से डाल देंगे और फिर हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे उंगलियों पर और इस तरह से किनारों पर अच्छी तरह से लगा देंगे और ये जो हमने बड़ा वाला पार्ट काटा था इसके ऊपर से इस तरह से चिपका देंगे इसे हमें अच्छी तरह से दबाते हुए चिपका देना है ताकि ये फ्राई करते वक्त खुल ना जाए तो ये देखिए इस तरह से हमें दबाते हुए चिपका देना है और अब हम फोर्क की सहायता से इसमें डिज़ाइन बना देंगे तो ये देखिए इस तरह से हमें डिज़ाइन बना लेना है तो ये दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगती है और इसके किनारों को हम इस तरह से काट लेंगे और ये देखिए इसी तरह से हम एक और बना लेते हैं इसे हम प्लेट पर रख देंगे और ये देखिए एक और हम बना लेते हैं तो ये मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है और इसे हम बेल लेंगे फिर हम एक पिज़्ज़ा कटर की सहायता से इसे काट लेंगे और एक्स्ट्रा आटा को हम हटा देंगे और ये देखिए इसे हम बीच से इस तरह से काट देंगे और अब हम इसका छोटा वाला पार्ट ले लेते हैं और उसमें हम पनीर का स्टफिंग इस तरह से डाल देंगे फिर हम इसके किनारों पर अच्छी तरह से पानी लगा देंगे पानी लगाने से ये अच्छी तरह से चिपक जाती है फिर हम इसके ऊपर ये बड़ा वाला पार्ट इस तरह से चिपका देंगे किनारों को हम अच्छी तरह से उंगलियों की सहायता से इसे चिपका देंगे फिर हम इसमें फोर्क की सहायता से डिज़ाइन बना देंगे फिर हम इसके किनारों को काट लेंगे और एक बराबर कर लेंगे तो ये देखिए इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे तो ये मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था पहले से ही ये हल्का गर्म हो गया है अब हम इसमें एक एक करके सारे पनीर पॉकेट्स को डाल देंगे और ये एक तरफ से फ्राई हो गया है इसे हम पलट कर दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है गैस के फ्लेम को हमने लो टू मीडियम पे रखा हुआ है और ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो गई है अब हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे तो ये देखिए हमारी स्टफ्ड पनीर पॉकेट्स बनकर तैयार है बहुत ही टेस्टी बनी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें थैंक यू